नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल फार्म में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, अगर आप भी टमाटो की खेती करते हो तो होता क्या है, बहुत से लोग ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं और बहुत से लोग अच्छे तरीके से उत्पादन ले भी लेते हैं और उनको प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है, तो बहुत से लोग लॉस भी उठाना पड़ता है, लॉस भी लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से ही अगर आपको फसल को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट बनाकर रखोगे तो आपकी फसल ज़्यादा दिनों तक चलेगी और ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इसके लिए देख सकते हैं, हमने भी पहले से ही फसल को अच्छी तरीके से तैयार रखना है, क्योंकि होता क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ने से फिर बाद में कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इसके लिए देख सकते हैं, हमने पहले से ही पत्तियों की कटिंग की और दवा भी अच्छी तरीके से स्प्रे करते हैं, जिसके कारण पत्तियों की कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है, जो हमारी छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं तो उसको भी अच्छी तरीके से दवा मिल जाती है, जिसके कारण फूल फल हमारे अच्छी तरीके से सेटिंग होते हैं, क्योंकि पत्ते ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसके कारण अंदर दवा स्प्रे नहीं होती। इसके कारण होता क्या है, बहुत ज़्यादा वायरस अंदर अंदर बन जाता है, जिसके कारण फंगस और ज़्यादा फैलते हैं, तो हमारी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और फल भी पीले पड़ने लगते हैं। तो इसके लिए आप पहले से अच्छी तरीके से दवा स्प्रे करोगे तो आपको बिल्कुल भी वायरस नहीं लगेगा और आपके फल भी अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे, तो आपको से ग्रो करेंगे और जो फंगस है वो भी सारे अच्छी तरीके से कंट्रोल होंगे, तो हमारी फसल ज़्यादा दिनों तक चलेगी और हमें अच्छे अगर आप भी अच्छे तरीके से उत्पादन लेना चाहते हो तो आपको फल पहले से ही बनाई ऊपर की तरफ करनी पड़ेगी। देख सकते हैं, हमने एक एक डाल को अच्छी तरीके से बनाई की हुई है, क्योंकि होता क्या है, अगर नीचे रहेगी तो जो नई शाखाएं होती हैं वो नहीं सही से नहीं निकल पाती हैं और उनमें फूल लगे रहते हैं, वो हम अच्छे तरीके से सेटिंग नहीं हो पाते। देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से सेटिंग की हुई बनाई की हुई, देख सकते हैं कि चार चार पाँच पाँच फूल एक शाखा से एक जगह से निकल रहे हैं। तो आप जितने ज़्यादा फूल को अच्छी तरीके से सेटिंग करोगे उतने ज़्यादा उत्पादन अच्छी तरीके से मिलेगा, तो आपको फसल को अच्छी लंबा ले जाने के लिए उसको पहले से ही मैनेजमेंट अच्छी तरीके से बनाकर रखना पड़ेगा, जिसके कारण ही आप फसल को ज़्यादा दिनों तक चला सकते हो और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो। तो आपको देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे फल भी अच्छी तरीके से सेटिंग हो रहे हैं और बंधाई आपको करनी है तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ना, अगर आपको अच्छी तरीके से बांधना है तो आपको यहाँ पर स्टेक जरूर मारना है पीछे की तरफ, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मारते, जिसके कारण होता क्या है, अगर आप बाद में ये पूरापन लाइन गिर जाती है तो आप इसको बार बार नहीं उठा सकते। देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ सारी पत्तियाँ कटिंग की हुई और नए ब्रांच भी निकल रहे हैं, देख सकते हैं, और आप इसको भी डाल सकते हो। संगीता का सिजेंटा का ये आता है, बेस्ट टॉनिक होता है, फूल फल झड़ने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो आपको इसको ज़रूर स्प्रे करना चाहिए हफ्ते में एक बार, क्योंकि होता क्या है, फल ज़्यादा सेटिंग हो, फूल ज़्यादा निकलते हैं तो उसमें ज़्यादा कीटनाशक फंगीसाइड स्प्रे करते रहते हैं बहुत से लोग, इसीलिए फूल अच्छी तरीके से सेटिंग नहीं होते। तो इसके लिए आप एक टॉनिक ज़रूर स्प्रे करें हफ्ते में एक बार, तो आपको अच्छी तरीके से फल सेटिंग होंगे और आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।